सुत्रा साहब, किसको लेके आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी? देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है हमारी बच्चियों ने, जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने, मेरी बच्चियों ने इकट्ठे होकर लगाया है ये एलिगेशंस के वो प्रोफेसर चंद्रा जिसने 7 तारीख को सुसाइड किया, बच्चियों ने लिख के दिया कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमने 7 तारीख को ही गवर्नर साहब को कहा था कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिट गठित किया है। हम डिनाउंस करते हैं इस सिट को। बहुत बड़ा मामला है जे हमारी बच्चियों पर जो हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थारोली होनी चाहिए। हर पेरेंट्स इस वक्त सोच रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हायर एजुकेशन के लिए हम अपनी बच्चियों को एजुकेशन के लिए भेजें या नहीं भेजें जिन पर सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। लिहाजा और इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर ये पाया जाता है, CBI ये प्रूव कर देती है कि इन बच्चियों पर सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, तो उस प्रोफेसर की इतनी बदनामी इस देश में नहीं विदेशों में भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ फाउल स्मेल भी लग रहा है, क्योंकि वो प्रोफेसर जो चंद्रा था 15 साल से जम्मू यूनिवर्सिटी में था, कई बच्चे उसने PhD करवाए, आज तक कहीं भी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, किसी बच्चे ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसको 3-4 दिन के बाद HOD बनना था अपने डिपार्टमेंट का, तो ये इमीडिएट शिकायत आ गई। इसलिए इसको प्रूव करना बहुत बड़ी बात है। अगर तो ये प्रूव हो जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुई, तो मेरी बच्चियां भी सेफ हैं, मेरी बच्चियां भी इज्जतमान हैं, और उन्होंने एक प्रयास किया है। और फिर किसने कराया है जी? ये कौन लोग हैं जिसे पीछे हैं? ब्लैक शीप आना चाहिए, उससे मेरी बच्चियां भी सेव हो गई, प्रोफेसर को भी इज्जतमान मिलेगा। हालांकि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन ये कंसर्न ऑफ द स्टेट है, ये सभी माँ बाप का कंसर्न है, ये बच्चों का कंसर्न है कि इन यूनिवर्सिटी कॉलेजों में क्या हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नज़र रख रही है या नहीं। लिहाजा हमारी LG साहब से आज फिर ये दरख्वास्त है कि वो CBI इंक्वायरी करें। और मेरा पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, चाहे उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं या नहीं, ऑल पेरेंट्स जिनकी बच्चियां उच्च शिक्षा ले रही हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप भी आवाज़ उठाइए और इसको CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो।